सुशांत मामले में जांच के लिए मुंबई आए पटना एसपी विनय तिवारी 14 दिन के लिए क्वारंटीन, बीएमसी ने कोरोना प्रोटोकॉल का दिया हवाला। काम शुरू करने के पश्चात मुझे बीएमसी ऑफिसर से फोन आता है, उन्होंने बताया कि प्रोसीजर है तो सरकार का आदेश है, वो फॉलो कर रहे हैं उसी के क्रम में होम कर। सुशांत केस को लेकर बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस पर लगाए मदद नहीं करने के आरोप, कहा अभी तक नहीं मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट नहीं मिली हमें, पीएम रिपोर्ट नहीं मिली हमें, इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं मिली हमें, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला घटनास्थल का हमें, कोई वहां की वीडियोग्राफी नहीं मिली हमें, वहां की कोई फोटोग्राफी नहीं मिली। सुशांत केस से जुड़ने लगे हैं दिशा सालियान की मौत के तार, सुशांत के पूर्व मैनेजर की मौत से जुड़ी जानकारी लेने बिहार पुलिस पहुंची थी, नहीं मिली कोई कामयाबी। मुंबई पुलिस ने कहा अनजाने में डिलीट हो गई दिशा की फाइल, बिहार पुलिस को लैपटॉप देने से भी इनकार। दिशा सालियान की मौत की जानकारी साझा नहीं करने के आरोपों को मुंबई पुलिस ने किया खारिज, कहा मौजूद है सारे दस्तावेज। सुशांत के कुक नीरज सिंह का बड़ा बयान, रिया के साथ यूरोप के ट्रिप के बाद सुशांत की तबीयत रहने लगी थी खराब। सुशांत केस को लेकर बढ़ता ही जा रहा है बिहार का गुस्सा, सहरसा में लोगों ने फूका महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस का पुतला। जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले दर्जनों युवाओं का प्रदर्शन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला फूका। गृहमंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी, कहा ठीक है मेरी तबीयत। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए अमित शाह, संपर्क में आने वाले लोगों को दी होम आइसोलेशन की सलाह। सियासी दिग्गजों ने की गृहमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना, कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता बोले जल्द ही कोरोना को हरा देंगे अमित शाह। गुजरात, सभी गुजरातवासी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो कोरोना मुक्त हो जाए। राहुल गांधी ने भी की अमित शाह के जल्द ठीक होने की कामना, अहमद पटेल ने भी किया ट्वीट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा भी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके संपर्क में आने वालों को टेस्ट कराने की अपील की। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की कोरोना से मौत, लखनऊ में चल रहा था इलाज। कमल रानी वरुण के निधन पर यूपी में राजकीय शोक, लोगों ने बीजेपी की दिग्गज नेता को दी श्रद्धांजलि। कोरोना पॉजिटिव पाए गए तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती। अमिताभ बच्चन ने की कोरोना को दी मात, अस्पताल से मिली छुट्टी, घर लौटाए बिग बी। बिग बी ने ट्वीट करके पोस्ट की अपनी तस्वीर, लाखों फैंस डॉक्टर्स और नर्सेस का किया धन्यवाद। अभिषेक बच्चन को नहीं मिली है छुट्टी, पिता के साथ ही 11 जुलाई को नानावटी अस्पताल में भर्ती हुए थे। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए मामले, 17,50,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना ने ली 853 लोगों की जान, अब तक 37,000 से ज्यादा की जान ले चुका है वायरस। कोरोना को लेकर दिल्ली में छिड़ा क्रेडिट वॉर, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जबानी जंग। बीजेपी ने कहा दिल्ली में केजरीवाल नहीं मोदी का मॉडल चला, तो आम आदमी पार्टी ने पूछा गुजरात में बीजेपी मॉडल का क्या हुआ। दिल्ली में काबू में आई कोरोना की रफ्तार, चौथे नंबर पर आई देश की राजधानी, 1,36,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली के पॉश सीआर पार्क इलाके में खुले में फेंका गया पीपी किट, बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर शांतनु मोइत्रा के ट्वीट के बाद एक्शन में पुलिस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,500 से ज्यादा कोरोना के मरीज, 4,31,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 15,000 से ज्यादा की मौत। आंध्र प्रदेश में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 9,200 से ज्यादा मामले, 1,50,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। इंदौर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, एक दिन में कोरोना के 91 मामले सामने आए। भरतपुर में कोरोना संकट को बढ़ावा दे रही है राजस्थान रोडवेज की बसें, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियां। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में घर घर बांटा जाएगा मास्क, शहर की पुलिस ने कोरोना को देखते हुए शुरू की मुहिम। लोगों को जागरूक करने के लिए जोधपुर का रेस्टोरेंट परोस रहा है कोविड करी और मास्क नान। गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर में कोरोना से बचने के लिए खास पूजा, अमित शाह के जल्द ठीक होने के लिए भगवान भोले का रुद्राभिषेक। बिहार के आरा में अस्पताल के कोरोना वार्ड में मरीजों का हंगामा, खराब इंतजामों को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,600 से ज्यादा नए मामले, 35,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या।
जम्मू कश्मीर में कोरोना के 444 नए केस, अब तक 21,416 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कोरोना को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, मुख्यमंत्रियों के साथ एक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अपील। आज अयोध्या जाएंगे सीएम योगी, कोरोना से मंत्री की मौत की वजह से टाल दिया था रविवार का दौरा। अयोध्या में जोरों पर है भूमि पूजन की तैयारियां, स्वामी परमहंस ने जलाए दिए और लहराए 108 रामनामी झंडे। 5 अगस्त को हरा और केसरिया रंग की पोशाक पहनेंगे रामलला, खासतौर पर तैयार की गई है पोशाक। भूमि पूजन के मौके पर पटना के महावीर मंदिर की ओर से बटेगा नैवेद्यम लड्डू, अयोध्या भेजी गई 125,000 लड्डू बनाने की सामग्री। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अमरावती से रवाना हुई मिट्टी, मोर्जी गुरुकुंज ली गई मिट्टी। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए मंदिर परिसर में तैयार हो रहा है पंडाल, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा खास ख्याल। भूमि पूजन के लिए अयोध्या में चाक चौबंद सुरक्षा, पूरी रामनगरी को किया जा रहा है सैनिटाइज। पंजाब में लगातार बढ़ रहा है जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा, अब तक 96 लोगों ने दम तोड़ा। 96 लोगों की मौत के बाद एक्शन में कैप्टन सरकार, विभाग के 7 अफसर और 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जहरीली शराब से तरन तारण में 75 लोगों की जा चुकी है जान, 2 थाना प्रभारी और डीएसपी सस्पेंड, जांच के आदेश। पंजाब पुलिस ने 3 जिलों में 100 जगहों पर अवैध शराब के कारोबारियों पर मारा छापा, 25 लोग गिरफ्तार। पंजाब में जहरीली शराब कांड में एक महिला मास्टरमाइंड की आशंका, आरोपियों में कई ट्रांसपोर्ट के मालिक और ढाबा मालिक भी शामिल। पंजाब में जहरीली शराब को लेकर सियासत तेज, तरन तारण में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। तो पत्तों पर जो है स्प्रे करने से कभी दीमक नहीं हटेगी, ये जो दीमक है ये जड़ों में है और जड़ें जो हैं वो नेताओं के घरों में। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने पीड़ितों से की मुलाकात, जहरीली शराब कांड में सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट में याचिका की तैयारी। कश्मीर के कुलगाम में सेनाकर्मी को अगवा किए जाने की खबर, गाड़ी फूंकी आतंकी उपशक, अपने कर्मचारी की तलाश में सेना और पुलिस का ऑपरेशन, अब तक नहीं मिली कोई कामयाबी। फारूख अब्दुल्ला ने की कश्मीरी पंडितों के पलायन की जांच की मांग का, 1990 से पहले के पलायन की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करे पड़ताल। गाजियाबाद में डकैतों की गैंग से पुलिस की मुठभेड़, 3 महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार। 28 जुलाई की वारदात के बाद पुलिस का जारी था ऑपरेशन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस से गैंग का भांडाफोड़। बिहार के समस्तीपुर में केरन नदी के उफान से तटबंधों को खतरा, प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट। तटबंध क्षेत्र में बसे लोगों को घर छोड़ने की अपील, तटबंध को बचाने में जुटा प्रशासन। गंडक में बढ़ते पानी से शिवहर के कई गांव डूबे, पीड़ितों का आरोप, नहीं मिल रही कोई भी मदद। बिहार के छपरा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी, जान जोखिम में डालकर वाहनों को ले जा रहे हैं लोग। हाजीपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में तेज प्रताप यादव ने चलाई लालू की रसोई, खुद से बांटी खिचड़ी। दरभंगा शहर में जारी है बाढ़ का कोहराम, कई वार्डों में फैला पानी, सड़क पर चलने लगी नाव। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक में आए बाढ़ के पानी में डूबे मंदिर, शमशान और कब्रिस्तान। असम में बाढ़ के हालात में सुधार, लेकिन कम नहीं हो रही है लोगों की मुश्किलें, अब तक 109 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड के चमोली में बारिश ने मचाई तबाही, बरसाती नाला उफान पर। राजस्थान के पाली में बाढ़ में फंसी कार, किसी तरह गांव वालों ने बचाई कार चालक की जान। मध्य प्रदेश में कम बारिश से खेतों में सूखा, किसानों ने लगाई मुख्यमंत्री से गुहार। यूपी के जालौर में स्वास्थ्य कर्मियों की बदसलूकी, महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। मध्य प्रदेश के हरदा में एक युवक की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, 5,00,000 रुपए की मिली थी सुपारी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। पति ने मारपीट कर घर से भगाया, ठेकेदार ने शारीरिक शोषण कर दूसरे को बेचा। हरियाणा के पानीपत में दरी और मैट बनाने वाली फैक्ट्री में आग, करोड़ों का नुकसान। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चौकीदार को बंधक बनाकर पत्नी और नाबालिग बेटी से गैंगरेप, बचाने गए पड़ोसी को भी पीटा। फतेहाबाद में 30 ग्राम हेरोइन के साथ महिला गिरफ्तार, पुलिस ने नजर रखने के लिए घर में लगा रखे थे सीसीटीवी। दिल्ली की नरेला में युवती की गला दबाकर हत्या, पति फरार। इंदौर में शराब ठेकेदार के गुर्गों की गुंडागर्दी, एक युवक की जमकर की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल।
मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रेमी जोड़े की हत्या से सनसनी, लिविन में रह रहे थे विवाहित महिला और पुरुष। बिहार के मोतिहारी में सवारी को लेकर जाने के दौरान दो गुटों में झड़प, दोनों ओर से लाठी और धारदार हथियारों के साथ उतरे लोग। फरीदाबाद में दिखा तेज रफ्तार ट्रक का कहर, बाइक सवार महिला की मौत, युवक गंभीर रूप से घायल। झारखंड की गिरिडीह में एक साल के बच्चे के साथ कुएं में मिली महिला की लाश, मुंबई में फंसा हुआ है महिला का पति। कानपुर में दारू ठेका खोलने के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, जुलूस निकालकर बंद कराई दुकान। आज देश मना रहा रक्षाबंधन का त्योहार, कोरोना के कारण त्योहार की रौनक थोड़ी फीकी। नोएडा में क्वारंटीन में भी भाई मना पाएंगे रक्षाबंधन, बहना भेज सकेंगी राखी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बात। भाई बहन के प्यार के त्योहार के लिए बाजारों में भीड़, राखी और मिठाइयों की खरीदारी कर रही महिलाएं। उत्तराखंड के चमोली में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार, महिलाओं ने आईटीबीपी जवानों को बांधी राखी। पाकिस्तान की सीमा पर मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार, जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ जवानों को बांधी गई राखी। काबो में श्रद्धालुओं की परिक्रमा खत्म, आखिरी जत्थे ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाया 7 चक्कर। पेरू में खुला चिड़ियाघर, बच्चों की एंट्री पर पाबंदी।